हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वायरस। वायरस की कैटेगरी में कौन कौन से वायरस आते हैं, उनको लर्न करने के लिए क्या ट्रिक है। तो देखो, पहले एक लाइन लर्न कर लो, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे वायरस सिखाऊंगी। रेखा हमें हिट करके पोएचे, पोएचे का मतलब होता है पीछे। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। इस लाइन को याद करिए, पहले होगी याद, होगी लर्न। अब ये लाइन को ही हम वायरस, इसी लाइन में सारे वायरस छुपे हुए हैं। तो देखो, यहां लिख लेते हैं, यहां पे सिर्फ एक करके साइलेंट है, बाकी सबका यूज करेंगे हम, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पोइचे यानी कि पीछे छोड़ गई। यहाँ पे बस करके को छोड़ के बाकी सारे हम लिख लेंगे यहाँ पर, फिर एक एक करके वायरस लर्न करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे वायरस हैं। रेखा हमें हिट करके, ये साइलेंट है, पोएचे छोड़ गई। अब देखो इनमें क्या क्या वायरस बनता है। रे, रे से बनता है आपका रेबीज। खा से बनता है आपका खसरा। ह से हर्पीज। वायरस को लर्न करने की बड़ी ही इजी और शानदार ट्रिक है स्टूडेंट ये। ये है मेनिनजाइटिस। ये मस्तिष्क का बुखार होता है, माइंड में जब फीवर हो जाता है ना, वो मेनिन मेनिनजाइटिस। और ये हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस के बाद ट से है आपका ट्रैकोमा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये रेबीज किससे होता है, खसरा किससे होता है। पहले ये ट्रिक देख लो। देखो, रेखा हमें हिट, यहां तक आपने कर ली है। रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिनजाइटिस और हिपेटाइटिस, ट्रैकोमा। आगे है पोइचे। पो से आपको पता होगा, सबको पता है ये, पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचक। छो, छोड़ गई। छो से छोटी माता। ड से डेंगू। ग से आपका है गालसोंद। ई से है आपका इन्फ्लुएंजा। देखो स्टूडेंट, 2019 से पहले तो यही ट्रिक थी आपकी, 2020 से पहले भी लगा लो यही ट्रिक थी, जिसमें करके साइलेंट था। लेकिन आजकल एक वायरस है बड़ा ही चर्चा में, उसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक है। तो वो करके से आपका कोरोना वायरस है, ठीक है, जिसको COVID-19 बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से टॉपिक बनाया COVID-19 के ऊपर, ठीक है, जो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक है। अब जो आपका रेबीज है वो आपको पता है, रेबीज मैं बता रही हूँ, आप फटाफट से नोट करते रहिएगा। रेबीज किससे होता है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, इनके काटने पर होता है, ठीक है। और जो खसरा होता है, खसरा, इसको रेबडो वायरस बोलते हैं। रेबडो वायरस जो होता है आपका, रेबीज होता है, रेबडो वायरस बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका खसरा होता है, खसरा, वो किस वायरस से होता है, वो रबियोला वायरस से होता है, रबियोला वायरस से। और लक्षण क्या है, इसके शरीर पर लाल दाने दिखाई देते हैं। ह से हर्पीज, जो हर्पीज विषाणु से होता है, इससे क्या होता है, त्वचा पर सूजन आ जाती है, ठीक है। मेनिन जो है आपका, मेनिन, ये मस्तिष्क का बुखार है जो दिमाग को प्रभावित करता है। हिपेटाइटिस पीलिया का ही है, ये यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो है आपका, ये आंख की कॉर्निया जो होती है ना, इससे बड़ी हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम से रिलेटेड वायरस है, ठीक है। और उसके बाद ये कोरोना वायरस जो है, ये लंग्स को प्रभावित करता है, COVID-19 वायरस से होता है, ठीक है। और उसके बाद पोलियो, जो आपका पोलियो है, ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करता है हमारा, ओरल पोलियो है ये, ठीक है। इसकी दवाई होती है जो मांसपेशी वगैरह का संकुचन बनाए रखती है, बचपन में दी जाती है, इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है। एड्स है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, शरीर पर दाने निकल आते हैं, बेरियोला वायरस से होता है ये। छोटी माता जो है आपका, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, ये भी जो आपका है, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, उससे होता है। और डेंगू जो है आपका, हड्डी तोड़ ज्वर जिसको बोलते हैं, वो है, ये सबको पता होगा किससे होता है, ये मच्छर से होता है, मादा एनफिलीज से होता है ये। उसके बाद गालसोंद, ये ममस मिस्को वायरस होता है, जो लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, मुंह में लार ग्रंथि बननी बंद हो जाती है। इन्फ्लुएंजा जो है आपका, मिक्सो वायरस है, ठीक है, जिससे पूरा शरीर का जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो मैं इनके आगे लिख देती हूँ और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो बच्चों, मैंने इनके नेम्स लिख दिए हैं आगे आगे, किससे, कौन से विषाणु से होता है और कौन सी इससे जो है वायरस से रोग होता है। आप इसको मैं पोज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।